बैठक के लिए कल हम लोग लगातार लगे हुए हैं और कल अधिकारियों से, अभी हमारी ड्यूटी आई है महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती से मुलाकात हुई थी और निदेशक महोदय से मुलाकात हुई थी, अन्य अधिकारियों से मुलाकात हुई थी। सभी लोगों ने आश्वस्त किया है, कमेटी बन गई है और एक बैठक कमेटी की हो गई है, दूसरी बैठक में हम लोगों का नामनेट हो गया है और 20 तारीख के बाद बैठक हो जाएगी और बैठक में जो हमारे कुछ समस्याएं हैं उनसे संबंधित प्रस्ताव बना करके सरकार को जाएगा और उसी संबंध में हम लोग निरंतर, आज जो हमारे बनारस के जिला अध्यक्ष हैं साथी अजय कुमार सिंह, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ठीक है, आप लोगों की समस्याओं का समाधान हम करने पर विचार कर रहे हैं, करेंगे, परेशान मत होइए। हम अपने महामंत्री सुशील यादव जी, रमेश मिश्रा जी, हमारे गजवीर भाटी जी, सतीश शर्मा जी, हमारे चल्लू राम जी भाटी यहाँ जो है नोएडा के हैं साथी, सभी हम लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में लगातार आज सुबह से सभी लोगों से मुलाकात हम लोग कर रहे हैं। तो शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर, और जहां तक हमने अभी जो डायरेक्टर वगैरह बात किया उसमें हमने अनुदेशकों की भी बात किया है, अन्य लोगों की भी बात किया है। मिश्रा जी, हमारा उद्देश्य है कि अब किसी भी तरह से संविदा कर्मचारियों के समस्याओं का समाधान होना चाहिए और शिक्षा मित्र अनुदेशक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि बड़ी समस्या है। तो शिक्षा मित्रों की बैठक होगी और बैठक में संभवतः हमारी बैठक के बाद अनुदेशकों को भी बुलाया जाएगा, ऐसी मैंने निवेदन भी किया है, डायरेक्टर साहब से भी कहा है, डीजी महोदय से भी कहा है और अधिकारियों से भी मैंने बोला है, निवेदन किया है कि ये बहुत बड़ी समस्या है आपकी। तो ये हमारा एक प्रक्रिया चल रहा है, 18 अक्टूबर धरने के बाद से लगातार हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, चाहे सुशील जी हों, हमारे अरविंद वर्मा जी हों, चाहे मिश्रा जी हों, मैं स्वयं और सभी साथी, सभी जिलाध्यक्ष पूरी सक्रियता के साथ इस मिशन में लगे हैं कि किसी भी प्रकार से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो। चलिए ठीक है। दिल्ली में किसी से मुलाकात हुई शुक्ला जी, इस सब प्रकरण को लेकर लोगों से मुलाकात हुई दिल्ली में किसी से, एक दो लोगों से? जी, मेरी मुलाकात सुबह डिफेंस मिनिस्टर आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी से मुलाकात हुई है, हमारी मुलाकात बीएल वर्मा साहब से हुई है माननीय मंत्री जी से, और हमारी भी मुलाकात सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी से हुई है और कल भी, अभी हम दिल्ली में हैं, हो सकता है कि अभी एक दो तीन लोगों से हमारी कल और मुलाकात होगी। चलिए बढ़िया है, दिल्ली में हैं और दिल्ली में आपका स्वागत है और अच्छी बात है कि लोगों से मिलते रहिए, मिलते मिलते रहने से। मैं आपसे भी मिलूंगा, ये जी भी कल आपका भी आशीर्वाद लेंगे हम लोग। नहीं, कल आइए आप, इसमें आपका स्वागत है, बिल्कुल आइए और आपसे मिलते हैं और बात भी करते हैं कि आगे क्या रणनीति बनाई जा सकती है और किस तरीके से प्रयास होगा कि एक दो और लोगों से भी जहां तक हो सके और मुलाकात कराई जाए ताकि ऊपर तक बात पहुंचे। विक्रम सिंह, अब शिवकुमार शुक्ला जी तो दिल्ली में भ्रमण कर रहे हैं लोगों की आवाज के लिए, आज आपका सत्याग्रह था और शुक्ला जी ने एक अच्छी बात की कि हमने बात की अधिकारियों से कि अनुदेशकों को बुलाया जाए। बात ऐसे जब आप क्या है, इसमें मेरे हिस्से बाद में इनकी भी लेना, बैठक होगी, इनकी भी बात होगी, इनकी मीटिंग हो गई। जी सर, आपका बहुत कितनी बहुत अच्छी आभार। सार्थक, कितनी सार्थक खबर है। जी सर, मैंने अनुरोध किया था अभी डीजी महोदय से भी कल और निदेशक महोदय से भी, और हमें उम्मीद है कि हमारी बैठक के साथ साथ इनकी बैठक भी संपन्न कराई जाएगी, अधिकारियों द्वारा इनको आमंत्रण भेजा जाएगा और उस आमंत्रण में इनको बुला करके इनसे बात की जाएगी, बात करने के बाद इनकी समस्या प्रपोजल करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा। और उसके लिए मैं विक्रम जी से चाहूंगा कि इनके और साथी तो मिले हैं, एक बार ये निदेशक महोदय से एक दो दिन में मिल लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसमें और लोग दौड़ रहे हैं, तो आप भी आकर के मिलिए, मैंने आपके पैर भी घुट किया है। Thank you.